हाय गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता है। और गाइस, आज मैं इधर में आया था पानी उठाने के लिए। देखो ना यार, ये रहा पानी और हमको उठाना है पानी, क्योंकि मेरे को पानी जरूरत है ना, पानी चाहिए, क्योंकि वाटर इज इम्पोर्टेंट, राइट? इसलिए हाँ, ठीक है। तो आप लोग मेरा ब्लॉग पे बने रहो, और आप लोग नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेट होता है, और एक लाइक से बहुत मोटिवेट होता है, एक कमेंट से मेरे को बहुत मोटिवेट होता है। इसलिए आप लोग प्लीज करो। हाँ, तो गाइस, व्लॉगर इसी तरह काम करना पड़ती है, कैमरा को कहीं भी रखना है और काम करना है, ठीक है। तो गाइस, अब लोग देख रहा है, ये भी एक रास्ता है और ये भी एक रास्ता है। इस रास्ता से भी मेरे को घर पे जा सकती है, मेरा घर पे जा सकती है, और ये रास्ता भी हमारा घर में जा सकती है। इसलिए हम इधर से चलने वाला है, और ये बहुत लंबा है रे, ये बहुत लंबा है, और ये थोड़ा तो शॉर्टकट है, इसलिए हम ये रास्ता चूज कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो गाइस, अभी हमको हमारा घर में पहुंचने वाला है, और अभी तो मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि जो मैं अभी चढ़ गया था ना, ये माउंट एवरेस्ट जैसा ही है। हाँ, ये बहुत ऊंचे है रे, इसलिए मेरे को बहुत थक चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे में एक रास्ता है, ठीक है, रास्ता देख रहा है, एक रास्ता है। हम इधर से नहीं जाने वाला है, हम इधर से जाने वाला है, आपको दिखेगा हम कैसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। फाइनली पहुंच चुका है, नहीं नहीं नहीं, घर नहीं पहुंच चुका है, पहुंचने वाला है। थोड़ा देर में हम पहुंचेगा हमारा घर, और कुछ बर्तन भी सफाई करेगा, क्योंकि कल रात हम लोगों ने कुछ रुद्दी बना के खाया था ना, और पानी का कमी के वजह से मैंने कल सफा नहीं कर पाया, आज ही करने वाला है। मेरे को इतना सारा काम है रे, और आप लोगों को दिखाएगा मैं क्या क्या करने वाला है आज, इसलिए आप लोग देखता रहो। और मेरे को और भी दो तीन बार तो जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, क्योंकि हमारा हम जो कॉलोनी में रहते हैं ना, उधर में पानी नहीं है, पानी बहुत बहुत पानी कम है रे, इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत होता है पानी का वजह से। हाँ, तो गाइस, हम मेरा घर में पहुंचने वाला ही पहुंच चुका है, पहुंचने वाला नहीं है, पहुंच चुका है फाइनली, पहुंच चुका है रे। फाइनली पहुंच चुका है घर पे, मंजिल मिल चुका है रे बाबू। तो गाइस, मेरा घर का सामने भी एक वाटर टैंक है, फिर भी आप लोग सोच रहे हो कि भाई का घर का सामने एक वाटर टैंक है, और क्यों भाई उधर में पानी जाके नहीं लेता है, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि, फिर भी हम आप लोगों को दिखाएगा। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्या प्रॉब्लम है, हम लोग पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं नीचे में जाता है, बहुत दूर में जाके पानी उठा के लेके आती है, और आप लोग को दिखेगा हम लोग का कॉलोनी का वाटर टैंक रुनाती है, देखो दिखाएगा आप लोगों को। हाँ, चलो। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग का कॉलोनी का टैंक में बहुत कम ही पानी मिलता है, बहुत कम पानी मिलता है, देखो देखो देखो, ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, हाँ हम लोग का कॉलोनी में बहुत कम पानी मिलता है, इसका वजह से मेरे को नीचे में जाना पड़ती है हम लोग का गाँव का गेट में, ठीक है। तो अभी मैं सेकेंड राउंड जा रहा है पानी उठाने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत काम करना है ना, काम भी आप लोगों को दिखेगा क्या काम करना है, ठीक है। तो मेरा साथ आ जाओ आप लोग। ए मुर्गी लोग, किधर भाग रहे रे? तो गाइस, आप लोग देख सकता है, ये देखो ये क्या है, ये इतना सारा बर्तन धोने वाला है हमको, और मेरे को पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी का जरूरत है, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। हाँ, ठीक है। हाँ, और भी जा रहा है पानी उठाने के लिए सेकेंड राउंड। हाँ, मेरे को क्योंकि आज बहुत सारा काम करने वाला है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि तेरी हम लोग का कॉलोनी का पानी कैसा है, बहुत कमी मिलता है ना पानी, उसका वजह से उधर में मेरे को मेरा टाइम बर्बाद नहीं करने का है। हाँ, नीचे में जाके पानी उठाना है, और मेरे को बर्तन
सफा करना है, बर्तन सफा करने है, क्योंकि कल रात हम लोगों ने कुछ रोटी बना के खाया था ना, मतलब हम लोगों ने कल पूरी बना के खाया था, उसका वजह से थोड़ा तो गंदी हुआ था। फिर भी मेरा दोस्त लोग ने आके मेरा किचन भी सफा कर लिया। मेरा दोस्त लोग भी मेरे को बहुत मदद करते है, और पानी उठाना मेरा काम है, और सब खाना पीना वो लोग लेके आते है ना, इसका वजह से सब काम मेरे को करना है, क्योंकि मैं एक रुपया भी खर्च नहीं करता है कुछ सामान खरीदने के लिए। क्योंकि कल रात उन लोगों ने पुदे तो मतलब आलू हाँ और मैदा सब उन लोगों ने खरीद के लेके आया, पैसा सब उन लोगों ने खर्च किया है। मेरा काम है, मेरे को बर्तन सफा करना है, पानी उठाना है, उसके बाद में उन लोगों का काम, तो पैसा लेके आना है। नहीं गाइस, ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड द रियल फ्रेंडशिप, ना क्या बोलेगा, असली दोस्त ये बोलता है। और गाइस ये हमारा चमीन है, आप लोग भी देख सकता है, और ये आप लोग कितना बड़ा प्यार देखता है ना। मेरा ड्रीम है, मेरा एक सपना है, मैं इधर में ट्री हाउस बनाने के लिए, आप लोग देख रहे हैं ये बड़ा प्यार, मेरे को इधर में ट्री हाउस बनाना है, और सब मेरा सब्सक्राइबर इनवाइट करेगा, इनविटेशन देगा। जब मैं 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस आ जाएगा, उस टाइम में ये काम चालू करेगा, शुरू करेगा, और सब इनवाइट करेगा, आप लोग भी आओ। हाँ, हम लोग जब ये पेड़ को बुर में जाता है और व्यू देखता है, तो वो खतौन का नज़ारा बहुत अच्छा से मिलता है, और देखना मिलता है वो खतौन का नज़ारा। इसलिए मेरा सपना है, हाँ 5 साल से मैं ऐसा सोच के आया था, मैं एक दिन इधर में ट्री हाउस बनाएगा। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताओ, हाँ मेरे को बनाना चाहिए ना नहीं बनाना चाहिए, आप लोग का मर्जी हो, ठीक है। ये रहा वो पेड़, वो ट्री है, मेरे को बनाना है इधर पे ट्री हाउस, आप लोग कमेंट करके बताओ। हाँ, फिर भी थोड़ा रिस्क है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पेड़ है ना, इसलिए थोड़ा रिस्क है। मेरे को लगभग 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, पैसा कमाएगा, उसका पति ही हम इधर में ट्री हाउस बनाएगा, है कि नहीं गाइस। और आप लोग आना चाहती है तो मेरे को कमेंट पे जरूर बता देना, जी भाई आप ट्री हाउस बना सकते हैं और हम लोग को इनवाइट कर सकते हैं, हम लोग आके विजिट करेगा, ऐसा बोलो। हाँ, तो हम कम करने के लिए सोचेगा, वरना नहीं सोचेगा हम। सेकेंड राउंड होता के लेके जा रहा है, और मेरे को बहुत थक चुके है रे, बात करने के लिए भी ताकत भी नहीं है। सुबह से मेरे को बहुत थक चुका है, और अभी थोड़ा आराम कर रहा है, और इधर में बहुत अच्छी हवा मिल रहा है, इसलिए थोड़ा फ्रेश एयर खा रहा हूँ। हाँ, और गाइस अभी मैं पानी उठा रहा हूँ ना इसका मदद से पानी उठा रहा हूँ, और ये हिंदी से क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है, और इंग्लिश से आई थिंक ये ट्रेडिशनल बास्केट होगा, नागा ट्रेडिशनल बास्केट। हाँ, और ये बंबू से बना हुआ है, और बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, आप लोग भी चला सकती है, और आप लोग का खुद का भाषा लोथा, लोथा से तो हम लोग फारी बोलते हैं, फारी। हाँ, इसलिए आप लोग कोई पता नहीं है। और गाइस आप लोग मेरा वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और मेरा हिंदी इतना अच्छा भी नहीं है, और मैं इतना अच्छा से भी बात नहीं कर सकता है, अभी सीख रहा हूँ। और क्यों मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था ना, क्योंकि मेरे को सीखना है, इम्प्रूव करना है, इसलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना प्रो प्लीज मेरे वीडियो नाकामिस से वीडियो बनाओ ना, मेरा नाकामिस भी इतना अच्छा नहीं आता है, नाकामिस भी मालूम नहीं हम बोलने के लिए, खुद नाका है फिर भी नाकामिस भी इतना अच्छा से नहीं आता है। क्यों हिंदी आता है, क्योंकि मेरे को हिंदी फिल्म देखना बहुत पसंद है ना, हिंदी मूवी देखता है हर रोज, इसलिए मेरे को सीखता है ना, स्क्रिप्ट लिखता है ना, ऐसा ऐसा बात करेगा कल वगैरह वगैरह। और तो मेरे को इतना आराम भी नहीं करना है ना, क्योंकि मैं इतना देर तक आराम करते रहेगा तो कौन मेरा काम करेगा, कौन मेरा बर्तन सफा करेगा, कौन थोएगा, वाइफ के खुद को करना है, खुद को काम करना है, इतना इतना मत करो, जाके काम करो। हाँ, इतना सारा काम तेरे को इंतजार कर रहा है, और तू इधर में इतना पार्टी कर रहा है, ठीक है चलता है। तो गाइस अभी मेरे को ये सब बर्तन सफा करना है ना, देखो ये सब बर्तन सफा करना है, इसलिए मेरे को इतना बात नहीं करना है, जल्दी मेरा काम को खत्म करना है, और उसके बाद में आप लोग कुछ पाई बोलना है। हाँ, तो गाइस आप लोग मेरा ब्लॉग पे बने रहो, तो चलो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरा बर्तन क्लीन कर चुका है, सफा कर चुका है, और
मेरा काम भी खत्म हो चुके है और आज मेरा कहानी भी इधर से समाप्त होती है। इसलिए गाइस, आप लोग मेरा वीडियो पसंद है और मेरा काम पसंद है तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो और जो भी करना है आप लोगों की मर्जी। एंड गाइस, थैंक यू वंस अगेन एंड लव यू ऑल।